अस्सलामुअलैकुम टिप्स टाइम के तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से वेलकम, खुश आमदीद। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत ही जबरदस्त नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज का नुस्खा स्पेशल लोड़े का नुस्खा है, यानी कि आपने अगर लंबा करना है, मोटा करना है, तो इस नुस्खे को आपने बड़े गौर से सुनना है, क्योंकि इस नुस्खे में आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका अगर खड़ा नहीं होता या उसमें सख्ती नहीं है, तंदी नहीं है, तो मैं आज आपको जो चीज बताने लगा हूँ उसको आपने बड़े गौर से सुनना है, क्योंकि अज़ू की जो आपके रगे और पट्टे कमजोर हो गए हैं, यानी कि वो हाथ गाड़ी चलाने की वजह से दब गए हैं, अज़ू का गला घोट दिया आपने, तो आज मैं आपको जो चीज बताऊंगा आपने सिर्फ एक दफा उसको अपने जुकर पर लगा लेना है। जब आप लगाएंगे तो यकीन जाने नीचे से खस्से तहन में खुद ही हलचल मच जाएगी, क्योंकि ऐसा जबरदस्त नुस्खा आपको मैं बताने लगा हूँ, खून का भाव इतनी तेजी से आपके अज़ू की तरफ करेगा कि अज़ू मिनटों सेकंडों में ही अपनी असल हालत में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने बचपन में गलत कारियां की हैं, जवानी का अजाला आप करना चाह रहे हैं, तो आपने ये नुस्खा बड़े गौर से सुना है, क्योंकि इसमें बहुत ही खास चीज आपको बताने लगा हूं। तो आइए जल्दी से फिर मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि टिप्स टाइम के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सकें और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो नुस्खे का बकायदा आगाज करता हूँ दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, मलकंगनी लेनी है, मलकंगनी आपने 50 ग्राम लेनी है। दूसरे नंबर पर जो चीज आपने लेनी है वो बहुत ही जबरदस्त और असल काम करने वाली चीज है, पीर बहूटी। अब आपने क्या करना है, इनको पीस लेना है, पीस कर आतिशी शीशी में इसका रोगन निकाल लेना है। आतिशी शीशी आपको किसी भी बोतलों वाली दुकान से मिल जाएगी, जहाँ पे अत्र की शीशियां मिलती हैं या इस तरह की, वहां से आपको मिल जाएगी। अब आपने क्या करना है कि इसको लगाना किस तरह से, आपने पहले अच्छे तरीके से अपने अज़ू को धोना है, धोकर साफ करके आपने उस पर हल्के हाथ की मालिश करनी है, मोटा और इंतहाई ताकतवर हो जाएगा और कमजोरी सुस्ती को फौरी सख्ती और मजबूती में बदल देगा, सुस्ती वगैरह को खत्म कर देगा और यकीन जाने इसमें ऐसी सख्ती आएगी जो आपको हैरान कर देगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप इसको जरूर इस्तेमाल करेंगे और आपके लिए बहुत ही मुफीद होगा। मुझे अब दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ कल इसी तरह के नए और बेहतरीन नुस्खे के साथ। दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाई।